सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि साबित हो गया कि नवाज जरदारी भाई भाई और एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इमरान खान का मौकफ दुरुस्त साबित हुआ, दोनों ही करप्ट हैं। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान कहेगा अब्दुल अलीम खान ने आज अपोजिशन जमातों को खूब आड़े हाथों लिया है। आज बिल्कुल आमना घटाना, आज जो है सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अलीम खान ने आज जरदारी के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका जो बयान है वो बिल्कुल मनगढ़ंत है, और इस हवाले से उनका ये कहना है कि जरदारी साहब अपनी बारी देकर बुकराहट का शिकार हो गए हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे, एहतसाब से नहीं बचा सकते, कोई भी इनको मुफामत की सियासत के ड्रामे का दूसरा एक्ट भी फ्लाप होगा। जरदारी बताएं कि पेट फाड़ने के ख्वाहिशमंदों से क्यों बगलगीर हो रहे हैं, और नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्क नहीं लूटा तो पाकिस्तान इस हाल को कैसे पहुंचा। अलीम खान का यह भी कहना था कि जरदारी को अपने केसेस खोलने का यकीन हो चुका है और अंजाम से बच नहीं सकेंगे। सीनियर वजीर पंजाब का यह कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाजरी का असल चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। नवाजरी को यकीनन पीपल्स पार्टी की तजवीज के साथ दे रही है, लेकिन दोनों मायूस हो रहे हैं, और जरदारी साहब खातिर जमा रखें, पीटीआई भी इन्हें मायूस नहीं करेगी, जबकि खुद पांच साल लेने वाले पीटीआई को दो माह भी बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, और साबित हो गया है कि नवाज जरदारी भाई भाई हैं और एक ही। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक।